हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ग्रुप सी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। तो देख लीजिए दोस्तों, यह है प्रैक्टिस सेट आप लोग का ग्रुप डी का 2022। इसमें देख लीजिए कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करिए। तो कृषि है दोस्तों, क्या है? कृषि। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो हिंद स्वराज है दोस्तों, क्या है? हिंद स्वराज। अगला देख लीजिए, काला मृग, काला मृग किससे है दोस्तों? संकट मुक्त है। काला मृग क्या है? संकट मुक्त। इसके बाद देखिए एशियाई हाथी संकटापन प्रजाति है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। हिमालयी भालू तो कोई श्रेणी नहीं है। गुलाबी सिर वाली बत्तख घोर संकट ग्रस्त है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहां पर क्या है, यहां सूची वन सूची दो मिलान करने के लिए आया है। तो देख लीजिए यहां पर क्या है, सुनामी। सुनामी किससे है दोस्तों? मजबूत भूकंपी तरंगे से। कैस्पियन सागर किससे है? बृहद झील से। महासागरी धारा किससे है? एक निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जल धारा। ज्वार किससे है दोस्तों? जल का सार्वधिक रूप से उठना और गिरना। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मेसोफ स्पीयर कितना है? 50 से 85 किलोमीटर। स्टेटो स्पीयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। थर्मो स्पीयर 85 किलोमीटर से 105 किलोमीटर। ट्रेपो स्पीयर 10 किलोमीटर तक। इसके बाद देख लीजिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहां पर देख लीजिए सूची वन सूची दो मिलान के लिए करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। इसके बाद देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन ने दिशा निर्देशों को अंगीकार किया है? 1985। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? वाराणसी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आ गया, लता ने मुझे चित्र दिखाया, तो कर्म बताना है इसमें, तो चित्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भूतकाल के कुल कितने उपभेद होते हैं दोस्तों? तो देख लीजिए 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि एक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो भूगोल प्लस एक भौगोलिक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, उत्तरायण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन होगा, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया है, एक पद दिया है, मादक द्रव्य सेवन को केवल एक सामाजिक विकृति रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं वह बुरी तरह से विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधाएं, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। सामान्य लोगों के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना भी अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्यम वर्ग व अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज है उतना कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। पूंजीगत वर्ग के लोग भी अन्यायपूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कारण कई गलत कर्मों में फंसे हैं और उनका तनाव का शिकार होते हैं। एक तरह से तो यह समाज व्यापी असुरक्षा, असंतोष और तनाव ही व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल्य दृष्टि में अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, इस रोग का ऊपर उपचार कारागार सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक रोग का एक लक्षण है और अपने आप में रोग नहीं। इसके बाद देख लीजिए, मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः किससे है दोस्तों? सामाजिक नीतियों से है। सामाजिक नीतियों से ऊपरी उपचार से अभिप्राय क्या है दोस्तों? रोग का उपचार है। इसके बाद देख लीजिए, सामाजिक विषमता का कारण क्या है? सुविधा, स्वतंत्र शिक्षा आदि में असमानता। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कुल्टा क्या है? पतिव्रता है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द को चुनिए, मूर्धन्य है दोस्तों। क्या है? मूर्धन्य है। इसके बाद देख लीजिए, जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है तो इसे क्या कहेंगे? चंपू काव्य होता है, चंपू काव्य। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, असरफी की लूट, कोयले की छाप, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, भी सही है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए, 6 वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना हुआ है दोस्तों? क धन श। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है दोस्तों? तो यह है सचिपति। इसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है,
परिजात किसका पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष का है। किसका है? कल्प वृक्ष। मुख्य, अरे मुख्य किसका विलोम शब्द है? मुख्य है दोस्तों गौड़ का। किसका है? गौड़ का। मुख्य गौड़ का है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहां पर देख लीजिए अच्छी और अच्छी का सही युग्म अर्थ बताइए। तो अच्छी मीन्स आंख होता है और अच्छी का आंख वाली होता है। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध का चयन कीजिए दोस्तों। तो यह है योगी राज। क्या है? योगी राज। निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों, उसका चयन कीजिए दोस्तों। तो रामानुज है। क्या है? रामानुज। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का बताइए। तो त्रिलोचन बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास। इसके बाद देख लीजिए, धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से सुनाइए दोस्तों। तो धर्म ही प्राण जिसकी, तो डी सही है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए आप लोग, राजपूताना